तो गाइस सबसे पहले हमको एबी प्लेयर ओपन करना है एंड ओपन होने के बाद कर लेते हैं, तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखते रहिए तभी आपको समझ आएगा। सो गाइस फोटो लगाने के लिए सिंपली आपको यहाँ पर तीर वाले ऑप्शन दिख रहा है तो यहाँ पर आपको क्लिक करना होगा। मैं क्लिक कर लेता हूँ एंड गाइस यहाँ पर दो दो ऑप्शन दिख रहा है इमेज, एक ऊपर वाले इमेज के ऑप्शन से होता है बैकग्राउंड फोटो चेंज होता है, ये नीचे वाले इमेज से होता है बीच वाला फोटो चेंज। ये मैं ऊपर वाला एक बार चेंज कर लेता हूँ, बेस्ट स्टेप में बताऊंगा दोनों का यूज करके बताऊंगा, तो आप देखते रहिए कैसे होता है, देखते रहिए शुरू से लेकर वीडियो को लास्ट तक। आई रिपीट गाइस, ये दोनों का यूज होता है, एक बैकग्राउंड फोटो एंड ऊपर वाले फोटो चेंज होता है, ठीक है। तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, देखते रहिए। तो फर्स्ट गाइस मैं फर्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेता हूँ इमेज वाले ऑप्शन, एंड गाइस मैं सिंपली यहीं से जो है ना बैकग्राउंड फोटो चेंज होता है तो सिंपली क्लिक कर दिया, ऐसे ऑप्शन ओपन हो गया। एंड गाइस फर्स्ट में एक इमेज का ऑप्शन दिख रहा है, वहां पर आपको क्लिक करना है एंड नीचे जाना, नीचे जाने के बाद यहाँ पर गाइस यहाँ पे फोटो सेलेक्ट का एक ऑप्शन दिख रहा है पिक्चर सेलेक्ट, तो यहाँ से आप फोटो सेलेक्ट कर लीजिए जो बैकग्राउंड में आपको चूज करना है। मैं यहाँ पे फाइल खोल गया, वहाँ पर क्लिक करने के बाद खोल कर जाने के बाद मैं कोई सा फोटो सेलेक्ट कर लेता हूँ, आपको बेटर लगे वो फोटो सेलेक्ट कर लेने के बाद, तो आप देख सकते हैं गाइस यहाँ पर मेरा फोटो जो है ना बैकग्राउंड फोटो चेंज हो चुका है। एंड गाइस बैकग्राउंड फोटो चेंज होने जाने के बाद अब मैं बीच वाले फोटो चेंज करूंगा, तो सिंपली गाइस पेन वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर सेकंड वाले ऑप्शन पर जाना होगा, इमेज ऑप्शन पर सेकंड वाले पर, तो मैं सेकंड वाले पर सिंपली क्लिक कर देता हूँ। एंड गाइस फिर से वो सही सेम खुलेगा जैसे पिछले वाले में खुला था, वैसे ही सेम खुलेगा, मगर वो मत समझिए वैसे ही लगेगा, मगर इसमें सेम खुलता है मगर लगता है फोटो अलग, जैसे बीच में फोटो लगे वैसे ही क्लिक करना है और वहाँ से फोटो जो आपको सेलेक्ट कर लेना है, सिर्फ ऑप्शन अलग रहेगा और फोटो। एंड सो गाइज यहाँ पर देख सकते हैं मेरा फोटो चेंज हो चुका है। एंड गाइज मैं यहाँ से बैक होकर आ जाता हूँ, दिखला तो गाइज यहाँ पर बैकग्राउंड प्लस ऊपर वाला फोटो बीच वाला फोटो सारे चेंज हो चुका है। ये ऑप्शन होता है दोनों का, दोनों यूज होता है, आप पहले से समझ नहीं रहते कैसे होता है बीच वाला फोटो चेंज, तो मैं इस वीडियो में बता दिया हूँ तो आपको ये समझ में आया होगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं गाइज ये दोनों ऑप्शन से जो है ना ऊपर वाला नीचे वाला दोनों चेंज होता है। एंड गाइज मैं यहाँ पे फिर से बता दूँ कि ऊपर वाले फोटो से बैकग्राउंड चेंज होता है और नीचे वाले इमेज ऑप्शन से बीच वाला फोटो चेंज होता है, ऊपर वाला जो बीच वाला है ना वो वाला, और ऊपर वाले से पीछे का फोटो चेंज होता है, आपको समझ में आ गया होगा। फिलहाल के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो।